नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वार्षिक निरीक्षण के तहत कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग सरकारी दफ्तर पहुंचे। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में संचालित जिला शिक्षा विभाग, आबकारी, कृषि समेत कई दफ्तरों में कामकाज की जानकारी ली। कार्य में कसावट लाने प्रशासनिक स्तर पर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, जिससे जनता को यहां से मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाई जा सके। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर भी मौजूद थे। संभागायुक्त श्री अलंग ने कहा, रूटीन के तहत वे सरकारी कामकाज की जानकारी ले रहे हैं। वार्षिक कार्यालय निरीक्षण सुधारात्मक प्रशासन की एक सुनिश्चित सी प्रक्रिया है, तो वार्षिक रोस्टर के अनुसार विभिन्न अधिकारी निरीक्षण करते हैं। उस अनुक्रम में सुधारात्मक दृष्टि से निरीक्षण सुधारात्मक है, जहां पे त्रुटियां या कमियां पाई जाती हैं उनको सुधार के निर्देश दिए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय सम्मेलन विहान में 600 से ज्यादा सीए शामिल होंगे। सम्मेलन के निर्देशक विनोद मित्तल ने बताया कि 23 और 24 जून को होने वाले सम्मेलन में इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीए विनोद मित्तल, सीए कमल बजाज और बिलासपुर सीए शाखा के अध्यक्ष अंशुमन जाजोदिया ने बताया, 23 जून को सम्मेलन का शुभारंभ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएस मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। 2 साल के अंतराल के बाद होने जा रहे इस राष्ट्रीय सम्मेलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आने वाले अवसर और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ जैसे प्रमुख विषयों पर आमंत्रित वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट चर्चा में भाग लेंगे। एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जिसको हम नेटकॉन बोलते हैं, नेशनल कन्वेंशन। उसका आयोजन बिलासपुर में 24 और 25 जून को सेंट्रल पॉइंट होटल में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 600 प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कि उसमें उपस्थित रहेंगे, और साथ ही में वर्चुअल लोग 1,200 वर्चुअल लोग भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से विषय विशेषज्ञ जैसे चेन्नई से, पुणे से, नागपुर से, इंदौर से, रायपुर से ये विषय विशेषज्ञ आएंगे, जिनके हमारे 6 सेशन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी व्याख्यान होगा, जीएसटी और इनकम टैक्स के जो जटिल कानून नए नए आए हैं उनके ऊपर व्याख्यान है, और कंपनीज एक्ट में अभी जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में भी बिलासपुर शाखा द्वारा आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट के राष्ट्रीय सम्मेलन विहान में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से 600 से ज्यादा सीए शामिल होंगे। इसमें विशेषज्ञ और जानकार सीए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्तियों पर है जालसाजों की नजर। लोकसभा टीवी के स्टिंग में देखिए कैसे एक लैब टेक्नीशियन दे रहा है नौकरी लगाने का झांसा। स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई रिक्त पदों की भर्ती के बाद जिले के जालसाज सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा टीवी के पास इसका पुख्ता सबूत है। नाम ज्ञान पाठक, काम ट्रेनिंग सेंटर में लैब टेक्नीशियन का, मगर फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं। सीएमएचओ कार्यालय में एक क्वार्टर इनके नाम पर है और यहीं से चलता है इनके जालसाजी का खेल। लोकसभा टीवी स्क्रीन में देखिए कैसे ये महाशय नौकरी लगाने की बात कर रहे हैं, वो भी उस नौकरी की बात जो लगभग 1 साल पहले खत्म हो चुकी है। इनके इस करतूत में एक कांग्रेस नेता भी शामिल है जो ग्राहकों की तलाश कर इनके पास लाता है और फिर चलती है लेन देन की बात। उधर मामले की खबर लगते ही सीएमएचओ ने कार्यवाही की बात कही है, साथ ही ये अपील भी की है कि कोई भी इस तरह के झांसे में ना फंसे। भर्ती तो मेरिट सूची के आधार पर होगी, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर जानकारी मिल जाती है, वैसे उनके वीडियो तो मेरे पास भी आए थे और ऑडियो मेरे पास भी हैं जिनकी है, तो कार्रवाई तो मैं करूंगा। तो मेरे को अगर मिल जाए तो कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दो पद निकले उसके लिए तो हम तो मेरिट बेसिस पे करेंगे हैं,
जो मेरिट में रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभ्यर्थियों के लिए वही है कि जालसाजी में ना फंसे, किसी कहने पर ना आए कि मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो मेरिट में रहेगा वो मेरिट में आएगा, उसी का सिलेक्शन होगा बस। स्वास्थ्य विभाग और CMHO कार्यालय तो पहले से ही बदनाम है, ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला हो। इससे पहले भी निकाली गई भर्तियों में कर्मचारी सक्रिय रहे हैं, जिनका ऑडियो भी वायरल हुआ था। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर सब कुछ जानकर भी स्वास्थ्य विभाग मौन क्यों रहता है। लोक शो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मैराथन निरीक्षण पर निकले प्रशासनिक अमला धनवंतरी जेनरिक दवा दुकानों में पहुंचा, जहां मौजूद स्टॉक और मरीजों को लिखी जाने वाली दवाइयों का मिलान किया गया। राज्य सरकार प्रदेश के गरीब वर्ग को सस्ती जेनरिक दवाइयां मुहैया कराने धनवंतरी योजना लागू किया है। इसके तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में काउंटर खोले गए हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग और जिलाधीश डॉक्टर सारांश मित्तर का निरीक्षण के दौरान रतनपुर बिल्हा और दूसरी जेनरिक दवा दुकान संचालकों ने स्वागत किया। कोरोना वायरस की सक्रियता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। अधिकारियों ने COVID-19 के मरीजों का उपचार करने 32 निजी और सरकारी अस्पतालों में तैयारी करने कहा है। जून के पहले सप्ताह से लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। शुरुआत में रोजाना औसतन 3 से 4 मरीज मिल रहे थे, लेकिन बीते एक सप्ताह से ये आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन 7 से 8 के बीच पहुँच गया है। साफ है कि धीमी रफ्तार से कोरोना संक्रमण अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट हो चुका है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि जिलेवासी लगातार कोरोना को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो संक्रमण को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पुख्ता तैयारी कर रहा है। इसी के तहत सिम्स जिला अस्पताल के साथ ही 30 निजी कोविड अस्पतालों को मरीज भर्ती के लिए तमाम व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना तो बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमने सेंटर टेस्टिंग सेंटर जो हमारे हैं तो उसको बढ़ा दिया है, 10 कर दिया है। और ब्लॉक में भी अपने पे अलग अलग PSC में हर जगह हो रहा है टेस्ट, रेलवे में है, अपोलो में है, सिम्स में है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा दिया है। और उसके लिए हम अलर्ट हैं, पहले जैसे अलर्ट थे वैसे इस बार भी हम और अलर्टों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो 31 हॉस्पिटल हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है और वो उनको बता दिया गया है कि आप अलर्ट रहिए। लापरवाही की दशा में कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि COVID-19 का कौन सा वेरिएंट सामने आता है। लोक शो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस्कॉन बिलासपुर प्रचार केंद्र की ओर से हरिनाम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। मुंगेली नाका चौक से संकीर्तन यात्रा मंगला होते हुए गंगानगर सेक्टर 2 पहुंची, जहां पहुंचे संतों के द्वारा योग को लेकर प्रवचन दिया गया। 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान जगह जगह लोगों ने योग करके समाज और देश को संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन और निरोगी काया रखने के लिए योग का जीवन में समावेश जरूरी है। तमाम केंद्रों स्थलों में सुबह योग के जरिए स्वस्थ रहने का संकल्प लिया गया। इसी दौरान हरिनाम संकीर्तन का भव्य आयोजन कर लोगों को योग के फायदे बताए गए। इस्कॉन बिलासपुर प्रचार केंद्र की तरफ से मुंगेली नाका मैदान से मंगला चौक होते हुए गंगानगर सेक्टर 2 तक संकीर्तन यात्रा निकाली गई। इस दौरान यहां प्रवचनकर्ता जुगल किशोर दास के द्वारा प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही लोगों को मार्गदर्शन दिया गया। सभी श्रद्धालुओं को योग से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। यहां कहा गया कि भागवत गीता में उल्लेख है कि योग का अर्थ भगवान से सीधे जुड़ना है।
आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं सभी भक्तों का, ये है यहाँ पे हम हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं योग दिवस के अवसर पर। एक्चुअली भगवद गीता में योग का अर्थ है कि भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना, अपने आप को जोड़ना। तो रियल योग एक्चुअली यही है, सभी को हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन ये जो आंदोलन है इससे जोड़ना, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। हरि नाम संकीर्तन ये युग धर्म है, कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन भागया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसको प्रेम संकीर्तन कहा गया। तो कलयुग में जो कलयुग के प्रेम अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसका उनका आविर्भाव हुआ था नदिया नवदीप, नवदीप में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन शुरू किए। ये युग धर्म है, इसी को कोई भी जाति कोई भी बच्चे कोई भी इसको उच्चारण कर सकते हैं, उसके साथ नृत्य भी कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो इसमें आपको भगवान के प्रति जो प्रेम, जो अन्य युग में कोई अगर सत्य युग में तपस्या करते थे या यज्ञ करते थे या भगवान का पूजा अर्चना करते थे, तो इस युग में केवल भगवान के नाम उच्चारण करके आप भगवान के जो प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। इस्कॉन बिलासपुर तरफ से यहाँ पर मेगा हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि कलिम सब जयंत आर्य पुनः ज्ञान सार बागिन यत्र संकीर्तन संकीर्तन। तो ये कलयुग में एक ही मार्ग है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो है हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ पर आज ऑलमोस्ट 300 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पर भीड़ आ रहा है, और यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम हरे कृष्णा तरफ से एक बड़ा सा बड़ा हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन के इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष और युवा श्रद्धालु मौजूद रहे, जो रास्ते भर भजन कीर्तन करते हुए लोगों को योग का संदेश दे रहे थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य हेमचंद ने सरकार पर अनुसूचित वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत ही नहीं किया बल्कि हितों की अनदेखी भी की है। 3.5 साल बीत जाने के बाद भी आयोग में अध्यक्ष पद खाली है। हेमचंद जांगड़े ने कहा, राजधानी और कई जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग के धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, कानून का दुरुपयोग कर इस वर्ग के खिलाफ कार्यवाही की गई। यही नहीं, अनुसूचित जाति के लिए इस सरकार ने राहत का कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे उनमें भारी असंतोष है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे वर्ग को संरक्षण मिलेगा, हमारे वर्ग के हितों की रक्षा की जाएगी और कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जाएगी जिससे इस वर्ग के लोगों का कल्याण हो। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 3.5 वर्षों के शासन काल में अनुसूचित जाति वर्ग के जितने धार्मिक स्थल, खासकर सतनामी समाज के धार्मिक स्थल तोड़े गए, किसी भी प्रकार की कोई योजना इस वर्गों के लिए मुझे दिखाई नहीं देती है। खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग जैसे संवैधानिक आयोग में अभी तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाना, ये सरकार को इस वर्ग के प्रति कितनी चिंता है ये दर्शाता है। भूपेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष की कारगर भूमिका रेखांकित करते हुए अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य हेमचंद्र जांगड़े ने कहा, बेरोजगारी दूर नहीं करने, शराबबंदी और चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे पूरा नहीं करने के खिलाफ भाजपा लगातार आवाज उठा रही है।
विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार की गलत नीतियों का सड़कों पर खुले आम विरोध कर रही है। जिस प्रकार अभी बीच में धरना प्रदर्शन को लेकर के अनुमति की बात आई थी, उस विषय पर हमारे पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया गया था और इसका पुरजोर विरोध किया गया था। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार के द्वारा लगातार हमारी पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है सरकार के खिलाफ में। सरकार ने तो कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही कि न कोई बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है और न ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है। शराबबंदी की भी सरकार ने घोषणा की थी, आज शराबबंदी भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, गरीबों से अन्याय करने का आरोप भी पूर्व सदस्य ने लगाया है। सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करने से अनुसूचित जाति आयोग को निष्क्रिय करार दिया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय महिला अपने पति को छोड़कर अलग रह रही थी। इसी बीच उसकी पहचान रेलवे के न्यू लोको खोली निवासी मंटू सिंह कुशवाहा से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। रेलवे कर्मचारी मंटू सिंह कुशवाहा ने शादी का झांसा देकर महिला से पिछले एक वर्ष तक उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। महिला के द्वारा शादी की बात कहने पर वह मुकरने लगा। मामले की शिकायत पीड़िता ने तोरवा थाने में दर्ज कराई। तोरवा पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मिंटू सिंह को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ धारा 376 के तहत कार्रवाई की गई। रेलवे ने पिछले दो महीने में 74 गाड़ियों में से कटनी रूट जाने वाली 18 गाड़ियों का परिचालन 26 जून तक रद्द कर दिया है। इसकी वजह से आरक्षण कार्यालय के काउंटरों में भी लोगों की भीड़ कम हो गई है। एक साल से रेल प्रशासन के तुगलकी फरमान के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। वहीं बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर से अमलाई सेक्शन में तीसरी लाइन में विद्युतीकरण का कार्य 26 जून तक करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 18 यात्री गाड़ियां रद्द की गई हैं। इन सभी ट्रेनों को मिलाकर अब तक करीब 74 यात्री ट्रेनों के पहिए पूरी तरह से थम गए हैं। वहीं कोयला सहित अन्य सामान को लेकर अभी भी 300 से अधिक मालगाड़ियां पटरियों पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही हैं, जिसके परिचालन में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। शहर में तैयार हो रहे मल्टी लेवल पार्किंग की प्रगति रिपोर्ट लेने संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग और कलेक्टर सारांश मित्तर मौके पर पहुंचे। यहां मौजूद नगर निगम इंजीनियर ने उन्हें ड्राइंग डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य करने की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि अब तक 40% कार्य पूरा कर लिया गया है। बेल्हा के धौराभाठा में बांस शिल्प केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग और कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर का ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। शासन की मंशा के अनुरूप आजीविका के लिए बांस शिल्प को बढ़ावा देने तैयार सामग्री का डॉक्टर अलंग ने जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत में बाजार और शिल्प की मांग के बारे में उन्होंने जाना। बांस की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को समय पर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ग्रामीणों की मदद करने कहा। अग्रज नाट्य दल के थिएटर वर्कशॉप में युवा इन दिनों अभिनय की बारीकियां सीख रहे हैं। अभिनय के विभिन्न पहलू, संवाद, मेकअप, वेशभूषा, संगीत और मंच पर कलाकारों में तालमेल बिठाना, ये सब कुछ जानना प्रतिभागियों के लिए अनोखा है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग अभिनय का दीवाना है। वो जानता है लेकिन इसे पूरी तरह समझता नहीं है। उसके भीतर छिपी इस संकोची प्रतिभा को उन्मुक्त बनाकर एक कलाकार के रूप में प्रस्तुत करने अग्रज नाट्य दल ने थिएटर वर्कशॉप लगाया है। इंदिरा विहार कॉलोनी के प्रियदर्शनी कला भवन में शाम होते ही जमा हुए युवा अभिनय की बारीकियां सीखते हैं। ये अग्रज नाट्य दल बिलासपुर द्वारा अभिनय और रंगमंच पर कार्यशाला चल रही है 30 दिनों की, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 30 दिनों की कार्यशाला है जिसको सुनील चिपड़े जी कंडक्ट कर रहे हैं। और अग्रज नाट्य दल जो 30 साल से बिलासपुर में एक्टिव है। 20 युवा लड़के लड़कियों का दल रंगमंच से
प्रदेश में मानसून प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट आई है। बुधवार को आंशिक वर्षा हुई। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए चिकित्सकों ने बच्चों का खास ध्यान रखने कहा है। प्रदेश भर में मानसून पहुंच चुका है और इसके प्रभाव से बुधवार को प्रदेश भर में बादल छाए रहने के साथ ही वर्षा भी हुई। बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के चलते राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे रहा। वहीं बिलासपुर का भी अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी तंत्र के चलते बुधवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी तो कहीं हल्की वर्षा हुई है, साथ ही कई जगह बिजली भी गिरी। सुबह हल्की धूप के बाद शहर में खंड वर्षा हुई। शहर के अर्पापार झमाझम बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में पानी की बूंद तक नहीं टपकी। बदलते मौसम के चलते आमजन बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। हालांकि चिकित्सकों ने मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। न्यायधारी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बुधवार सुबह जिले में खंड वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की खबर मिली, जबकि शहरी इलाके में दूसरे छोर में थोड़ी देर बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद कई जगहों में पानी भर गया। शहर के मुख्य नालों से लेकर छोटी नालियां जाम रहीं। पानी निकासी अवरुद्ध होने से इन इलाकों में बारिश का पानी भर गया। जिस समय तेज बारिश हो रही थी तब बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के आने का समय था। अचानक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने लोगों को बचने का मौका नहीं दिया। मानसून पूर्व स्टेशन का मरम्मत कार्य नहीं करने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बुधवार को हुई बारिश से प्लेटफार्म पर खड़े यात्री भीगने लगे। फुट ओवर ब्रिज पर लगे शेड से पानी टपकता रहा, इससे यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में ही है। मुख्यालय का रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहां सुविधाओं की कमी रहती है। इसके कारण अब यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। गेट 4 के पास फुट ओवर ब्रिज का शेड जगह जगह जर्जर है। यही वजह है जब वर्षा हुई तो जर्जर हिस्सों से बरसात का पानी फव्वारे की तरह गिरता नजर आया। पर मरम्मत तो दूर, संबंधित विभाग ने इसे आकर देखना तक मुनासिब नहीं समझा। भीगने से बचने के लिए यात्री या तो वापस लौट गए या फिर कुछ देर पानी बंद होने का इंतजार करते रहे। गेट 1 के पास इसी तरह की समस्या नजर आई। शेड के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर भी वर्षा का पानी गिरता रहा। इससे प्लेटफॉर्म गीला रहा और यात्री इसी स्थिति में ट्रेन में चढ़ते नजर आए। यह स्थिति तब खतरनाक है जब कोई चलती ट्रेन में चढ़ने या फिर उतरने का प्रयास करेगा। अक्सर स्टेशन में यात्री इस तरह की लापरवाही करते हैं। गीले प्लेटफॉर्म से फिसलकर गिरने का खतरा बना हुआ है। रेलवे के संबंधित विभाग को यह नजर नहीं आ रहा है। अभी तो बरसात शुरू हुई है, इसमें स्टेशन की यह हालत है। अभी तो पूरा वर्षाकाल बाकी है, ऐसे में यात्रियों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा के सुभाष चौक से नूतन चौक के बीच मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण का काम चल रहा है, लिहाजा निर्माण कार्य को देखते हुए एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है, मगर इससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। यहां रोजाना लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देकर निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की जरूरत है, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।